चलो कंटिन्यू करते हैं। तो मॉडलिंग में अपना पहला आ जाता है सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग। सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग में अपन बात कर रहे हैं, वी विल ट्राई टू डिफाइन द यूजर्स देयर एंड देयर इंटरेक्शन विद द सिस्टम। कौन कौन यूजर हैं, कौन कौन लोग होंगे जो इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को यूज करेंगे, इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को यूज करेंगे, एंड फाइनली वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे, क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, क्या क्या ऑप्शन होंगे उसके पास उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए या उसको यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें अपना पहला सबसे पहला टास्क होता है टू आइडेंटिफाई यूजर रोल्स। तो अब अभी तक जितने प्रोजेक्ट डिस्कस हुए उनके अलावा कोई एक आदमी आओ और अपनी रिक्वायरमेंट बताओ। ठीक है, चलो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। चंद्रप्रकाश ने एक रिक्वायरमेंट पोस्ट की है कि दे आर ट्राइंग टू डेवलप अ स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके अंदर दे हैव अ रिक्वायरमेंट दैट देर शुड बी अ डेटा लॉगर काइंड ऑफ अ फंक्शनलिटी विच विल ट्राई टू रिकॉर्ड और ऑल पावर रिलेटेड पैरामीटर्स, कि कितना वोल्टेज आ रहा था, कितना कंजम्पशन हुआ, कितनी पावर गई, फ्रीक्वेंसी क्या थी सिग्नल की, या लेट से कितने एम्पियर्स उस पर्टिकुलर टाइम में अपना जो घर है या जो बिल्डिंग है वो यूज कर रही थी, एंड सो ऑन। सो देर शुड बी सम काइंड ऑफ अ डेटा लॉगर इन बिटवीन आर पावर सप्लाई यूनिट एंड आर कंजम्पशन यूनिट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में ये थोड़ा सा ऑटोनोमस जैसा सिस्टम हो गया। इसमें द सिस्टम इटसेल्फ इज वर्किंग विद इन इटसेल्फ, है ना, कोई भी एक्सटर्नल रोल नहीं है, कोई एक्सटर्नल यूजर नहीं है जो इन्वॉल्व हो। तो दिस कैन नॉट बी, सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एनी यूज केसेस फॉर द सिस्टम। द रिक्वायरमेंट्स इटसेल्फ डज नॉट हैव एनी यूजर्स और इंटरेक्शन एसोसिएटेड विद द सिस्टम। ठीक है, तो इस केस में लेट्स से अगर अपन रोल की बात करें तो इन दिस केस द रोल कुड बी द डेटा लॉगर इटसेल्फ एंड द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड इज टू रिकॉर्ड द डेटा, दिस ऑल द पावर पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम। अच्छा, और कोई रिक्वायरमेंट बताएं जिसमें यूजर इन्वॉल्व हो। कमल का क्वेश्चन है पेपरलेस ऑफिस ऑटोमेशन, और उसके अंदर रिक्वायरमेंट है ऑथेंटिसिटी। तो ऑथेंटिसिटी इज वेरी नीव, पर चलो फिर भी ऑथेंटिसिटी का मतलब है दैट विद इन दैट सिस्टम एवरी पर्सन शुड ऑथेंटिकेट इटसेल्फ फर्स्ट बिफोर इट कैन एक्सेस दैट सिस्टम। यानी कोई लॉग इन मैकेनिज्म होना चाहिए, साइन इन मैकेनिज्म होना चाहिए, सम काइंड ऑफ पासवर्ड बेस्ड, सम काइंड ऑफ पैटर्न बेस्ड एंट्री शुड बी देयर, सो दैट एनीबॉडी हु इज यूजिंग दैट सिस्टम शुड बी ऑथेंटिकेटेड, शुड बी आइडेंटिफाइड बिफोर इट कैन यूज दैट सिस्टम। तो इन दिस केस अब क्या होगा, लेट से अगर अपन सिंगल सिंपल लॉग इन पेज की बात कर रहे हैं तो इस केस में यूजर कौन हो जाएगा, कि जो भी अपना टारगेट रोल है। तो जो इन केस ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम अपने रोल डिपेंड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन पे। तो लेट से अगर ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं कि कोई कॉलेज है, तो उसके अंदर रोल्स कौन कौन से हो जाएंगे, स्टूडेंट्स हो जाएंगे, टीचर्स हो जाएंगे, लेट से डीन हो जाएगा, डीन एक रोल होगा, उसके अलावा ऑफिस स्टाफ एक रोल हो सकता है, अकाउंट स्टाफ एक रोल हो सकता है, और लाइब्रेरियन एक रोल हो सकता है, एंड सो ऑन। ये सारे लोग क्या हो गए, अपने यूजर रोल्स हो गए। और इस केस में जो एक्शन टू बी परफॉर्म्ड है वो क्या है, लॉगिन का है, रजिस्ट्रेशन का है, फॉरगॉट पासवर्ड का है, एंड फॉरगॉट यूजर नेम हो सकता है, एंड सो ऑन। तो सुन, मैं एक रिक्वायरमेंट मिली, अपन ने उसमें से यूजर डिफाइन किया कि कौन कौन से यूजर्स हो सकते हैं, कौन से रोल्स हो सकते हैं, और फाइनली अपन बात करते हैं कि एक्शन क्या क्या परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि अपन सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग कैसे करते हैं। अब वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑन ऑल द सिनेरियोस विद इन द सिस्टम, जब क्या हो रहा होगा वहां पे देर शुड बी समथिंग गोइंग ऑन, और व्हेन देर इज समथिंग गोइंग ऑन देन देर शुड बी समवन डूइंग इट एंड देर शुड बी समथिंग बीइंग परफॉर्म, देर शुड बी सम एक्शन। तो वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई यूजर रोल्स और एक्शंस। तो इन दो से क्या मिलता है, अपने को प्राइमरी डेफिनेशन मिलती है उस सिनेरियो की, प्राइमरीली वो सिनेरियो में क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। इसके अलावा सेकेंडरी टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन केस ऑफ एवरी सिनेरियो इज आइडेंटिफाई एनी पैरेलल यूज केस फॉर ईच एक्टर, यानी कि वो पर्टिकुलर यूजर रोल जो है, वो पर्टिकुलर एक्टर जो है, वो पैरेलली कोई और टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट से इन केस ऑफ लॉग इन, इन केस ऑफ आर ऑथेंटिसिटी मॉड्यूल, द यूजर कैन गो फॉर लॉग इन एज वेल एज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सो दीज आर पैरेलल यूज केसेस फॉर दैट। तो ऑल्दो अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑथेंटिकेशन था, ऑथेंटिकेशन मतलब सिर्फ लॉगिन होता है, पर जब अपन ने सोचा कि उसके पैरेलल यूज केस क्या हो सकते हैं, तो पैरेलल यूज केस आया कि फॉरगॉट पासवर्ड एक पैरेलल यूज केस हो सकता है, रजिस्ट्रेशन एक पैरेलल यूज केस हो सकता है। तो अपन ने दो और यूज केसेस आइडेंटिफाई कर लिए। तो विद हेल्प ऑफ दिस पैरेललाइजेशन वी कैन आइडेंटिफाई सेकेंडरी सिनेरियोस।
सिमिलरली फोर्थ पॉइंट है आइडेंटिफाई एनी एक्सटर्नल इवेंट दैट कैन इफेक्ट डिटेक्शन. तो फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ दैट डेटा लॉगर फंक्शनैलिटी, तो अपन स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे थे, तो लेट्स से अगर पावर डिस्कनेक्ट हो जाती है तो दैट इज अ वेरी फेयर इवेंट. तो उस केस में डेटा लॉगर का क्या होगा? तो देयर कुड बी टू केसेस दैट डेटा लॉगर इज ऑल्सो यूजिंग दैट सेम इलेक्ट्रिसिटी, दैट सेम पावर दैट इज कमिंग फ्रॉम आर सप्लाई यूनिट. तो उस केस में क्या होगा, डेटा लॉगर खुद भी पावरलेस हो जाएगा. इट विल ऑल्सो हैव टू स्टॉप इट्स फंक्शनैलिटी. और देर कुड बी अनदर केस जब डेटा लॉगर किसी सेकेंडरी सप्लाई पे होगा, किसी इन्वर्टर के थ्रू या किसी जनरेटर के थ्रू कनेक्टेड होगा, किसी बैकअप पावर सप्लाई के थ्रू कनेक्टेड होगा. और उस केस में द डेटा लॉगर कैन लॉग दैट इवेंट कि कब इलेक्ट्रिसिटी डिसकनेक्शन हुआ था. तो इन सच केसेस वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल सच इवेंट्स कि कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं जो पर्टिकुलर अपने इस एक्शन को इम्पैक्ट करेंगे. तो उससे क्या होगा, अपन फर्दर और यूज केसेस डिफाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ये इवेंट जब एग्जीक्यूट हो तब अपने यूजर को क्या करना है, या जब ये इवेंट एग्जीक्यूट हो तब कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा. ठीक है. और फाइनली फिफ्थ आ जाता है, आइडेंटिफाई एनी एरर स्टेट्स और एक्सेप्शंस रिलेटेड टू द एक्शन. तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले एक्सेप्शन की बात की थी. एक्सेप्शन एरर्स कैन बी कॉज बाय यूजर, सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जैसे इन दिस केस लाइट चले जाना क्या है, इट इज एन एरर कॉज बाय इंफ्रास्ट्रक्चर. तो वी आर अज्यूमिंग वी वर रिलाइंग ऑन दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी फॉर आर सिस्टम टू वर्क, पर जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो गई तो हो सकता है आर सिस्टम हैज टू बिहेव इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, इट हैज टू डू सम काइंड ऑफ फेलियर मैनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग. एंड सिमिलरली देयर कुड बी एरर्स एक्सेप्शन कॉज बाय द यूजर. लेट्स से जब लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वी कैन आइदर शो इट लेट्स से रॉन्ग पासवर्ड मैसेज, और वी कैन शो इट अ फॉरवर्ड पासवर्ड स्क्रीन, और वी कैन हैव अ रूल कि 3 बार गलत पासवर्ड डालने के बाद 24 घंटे के लिए लॉक हो जाएगा. ठीक है, तो यूजिंग दीज एरर स्टेट्स वी कैन फर्दर आइडेंटिफाई कि और कौन कौन से एक्शन हो सकते हैं और कौन कौन से अपने इंटरेक्शन हो सकते हैं सिस्टम के साथ में. ठीक है, तो ये दो तो ऑब्वियस ही बात है, अपन कोई भी रिक्वायरमेंट उठा के देखेंगे तो अपने को यूजर रोल और एक्शन तो स्ट्रेट अवे मिल जाता है. ठीक है, इन दो के लिए अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. पर जब ये दो आ जाते हैं तो फिर अपन इन तीन और सेकेंडरी सिनेरियोस की मदद से और इंटरेक्शन और यूज केसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, जब एक बार अपना कोई यूज केस आइडेंटिफाई हो जाता है देन सेकेंड टास्क इज टू मॉडल दोज यूज केसेस. ठीक है, तो मॉडलिंग के लिए क्या करते हैं, अपन यूज केसेस को मॉडल करने के लिए यूज केस डायग्राम्स यूज करते हैं. ठीक है, अभी यूज केस डायग्राम क्या है, ये यूएमएल का एक कंपोनेंट है. यूएमएल इज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. इट वाज अ स्टैंडर्ड, इट वाज अ सम काइंड ऑफ वी कैन से अ नोटेशनल लैंग्वेज दैट वाज डिजाइंड टू मॉडल रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन एस्पेक्ट्स एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस. ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर यूज केस डायग्राम इज यूज टू मॉडल द यूज केसेस और सिनेरियोस ऑफ एनी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं यूज केसेस में. अब इन डायग्राम से मैं कोशिश करूंगा कि अपन थियोरेटिकली ये डायग्राम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे करना होता है या किस लाइन का क्या मतलब है. जहां जहां जरूरी होगा वहां वहां अपन बात करेंगे, बाकी जगह अपन इसकी बात नहीं करेंगे. ठीक है, ये हो गए अपने एक्टर्स. ये जो राउंडेड आपको दिख रहे हैं ये हैं यूज केसेस. दीज आर द एक्शंस टू बी परफॉर्म, वी कॉल देम यूज केसेस, की क्या करने वाले हैं. ठीक है, ये लाइंस क्या बताती है, ये इंटरेक्शन बताती है दैट यूजर कैन इनिशिएट दिस यूज केस और इंटरेक्ट विद दिस पर्टिकुलर यूज केस. ठीक है, तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, यहाँ पे एक कस्टमर नाम का अपने पास में एक यूजर रोल है. ठीक है, दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग दैट दिस कस्टमर कैन बी अ न्यू कस्टमर एज वेल एज ओल्ड कस्टमर, वी कॉल इट एन एग्रीगेशन. ठीक है, जनरलाइजेशन. तो अ कस्टमर कैन बी आइदर अ न्यू कस्टमर और एन ओल्ड कस्टमर. अब न्यू कस्टमर कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज कर पाएंगे और ओल्ड कस्टमर कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज कर पाएंगे, उनका एक्सेस अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं अपन. तो जैसे न्यू कस्टमर है वो क्या करेगा, इट कैन गो फॉर मेक न्यू कस्टमर ऑफर. ठीक है, तो इट विल ट्राई टू गो टू यूज दिस पर्टिकुलर यूज केस विद इन आवर सिस्टम एंड दिस विल इनहेरेंटली इंक्लूड अनदर यूज केस कॉल्ड क्रिएट न्यू कस्टमर. ठीक है, तो जैसे ही वो उस पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, इट विल बी रिडायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर फंक्शन और पर्टिकुलर यूज केस वेयर इट विल बी
एंटरिंग इट्स डिटेल एंड द सिस्टम विल क्रिएट अ न्यू कस्टमर. ठीक है, वंस दैट पर्टिकुलर कस्टमर इज क्रिएटेड देन इट कैन गो हेड एंड मेक एन ऑफर विद इन दिस पर्टिकुलर. दिस इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम अ व्हीकल सेल्स सिस्टम. ठीक है, इट कैन मेक एन ऑफर टू बाय दैट पर्टिकुलर व्हीकल एंड सो ऑन. सिमिलरली फॉर एन ओल्ड कस्टमर द यूज केस इज टू मेक ओल्ड कस्टमर ऑफर. ठीक है, तो अभी ये ओल्ड कस्टमर की ऑफर बनाएगा. हो सकता है दोनों के केस में थोड़ा सा डिफरेंस हो, दैट हाउ दिस सिस्टम विल रिस्पॉन्ड, बट दीज आर टू डिफरेंट यूज केसेस. द न्यू कस्टमर विल मेक न्यू ऑफर, ओल्ड कस्टमर कैन मेक ओल्ड ऑफर. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन ऑल्सो अपडेट कस्टमर इन्फॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो द ऑप्शन अवेलेबल टू दैट पर्टिकुलर यूजर. ठीक है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. देयर आर एग्रीगेशंस विद इन यूजर रोल्स, देयर एग्रीगेशंस विद इन आर दीज एक्शंस और यूज केसेस एज वेल. तो देयर कुड बी केसेस कि जब एक पर्टिकुलर एक्शन विल लीड टू अनदर एक्शन. ठीक है, सिमिलरली देयर आर ऑपरेशंस वेयर वन पर्टिकुलर यूज केस विल एक्सटेंड अनदर यूज केस. तो एक्सटेंशन के केस में क्या होगा, एक्सटेंशन आर ऑलवेज ऑप्शनल. ठीक है, आफ्टर मेकिंग एन ऑफर इट इज ऑप्शनल दैट द यूजर कैन मेक पेमेंट. इट इज ऑप्शनल, इट इज नॉट मैंडेटरी. सो सच रिलेशंस आर डिफाइंड यूजिंग दिस एक्सटेंड रिलेशनशिप एंड देयर कुड बी सम केसेस वेयर इट इज इनहेरेंटली अज्यूम दैट दिस दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल विल हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, सच एज दिस मेक न्यू कस्टमर ऑफर मॉड्यूल विल हैव टू यूज दिस क्रिएट न्यू कस्टमर मॉड्यूल. सो दिस इज एन इंक्लूजन ऑफ अ फंक्शनैलिटी. So this use case is included within another use case. So these are some specific relationships that can be defined between the use cases. So basically थोड़ा थोड़ा सा ये चार पांच चीजें हैं, इसमें चार पांच ही आइटम है, बहुत बड़ा ये डायग्राम नहीं है. तो इनको यूज करके अपन अपने सारे यूज केसेस को डिफाइन कर देते हैं. इससे क्या फायदा होता है, अगर मैं ये सारी यूज केसेस इन टेक्स्ट में लिखने की कोशिश करूंगा तो वो उतना क्लैरिफाई नहीं होगा और मेरे को टेक्स्ट में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी. और जब टेक्स्ट की बात करते हैं तो फिर अगेन सब्जेक्टिविटी आ जाती है, आपका टोन ऑफ लैंग्वेज आ सकता है, आपका प्रेफरेंस ऑफ वर्ड्स आ सकता है, आपकी ग्रामर आ जाती है, कोरोलरी आ जाती है, बहुत सारी चीजें. बट इन केस ऑफ डायग्राम्स वी कैन रेस्ट अश्योर दैट ये सारी सब्जेक्टिविटीज की वजह से अपना सिस्टम का डिजाइन जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा. एंड दैट इज हाउ वी मॉडल यूज केसेस विद इन आवर सिस्टम. तो सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग में पहला आ जाता है यूज केस, सेकंड अपन बात करेंगे एक्टिविटी डायग्राम्स की. तो अभी यूज केस में क्या पता चल रहा है, यूज केस में अपन ने एक्शंस डिफाइन कर लिए, एक्शंस आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन कौन से एक्शंस होंगे और उन एक्शंस के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी और कौन से एक्शन को कौन कौन से यूजर रोल्स एक्सेस कर पाएंगे. ठीक है, अब एक्टिविटी में अगर कोई पर्टिकुलर एक्शन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड देर इज अ नीड टू फर्दर डिफाइन दैट पर्टिकुलर एक्शन इन गिवन इन अ लिटिल बिट मोर डिटेल, देन वी गो फॉर एक्टिविटी डायग्राम्स. ठीक है, तो एक्टिविटी डायग्राम्स प्रोवाइड फ्लो ऑफ इंटरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू गिवन यूज केस एंड एन एक्टर. तो अगर लेट से अगर अपन बात करें, ये छोटा सा एक एक्टिविटी डायग्राम देखें यहाँ पे, तो ये एक्टिविटी डायग्राम क्या कर रहा है, इट इज फॉर अ आईओटी बेस्ड होम सर्वेलेंस सिस्टम, जिसमें कि आप वेब के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आपके घर का सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स से स्टार्ट करें. जो ये ऊपर ब्लैक पॉइंट दिख रहा है, दिस डिनोट्स स्टार्ट ऑफ आर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी. तो उसमें क्या होगा, जो यूजर आएगा वो स्टार्ट करते ही सबसे पहले अपना पासवर्ड और यूजर आईडी डालेगा, फिर अपन चेक करेंगे कि वैलिड है कि इनवैलिड है. अगर वैलिड होगा तो फिर अपन मेजर फंक्शन सेलेक्ट करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं. लेट्स से आप सर्विलेंस में जाना चाहते हैं या आप डोर ओपन करना चाहते हैं, लाइट्स ऑन ऑफ करना चाहते हैं एंड सो ऑन. तो अपन ने यहाँ ऑप्शन चूज कर लिया कि वी वांट टू गो फॉर सर्विलेंस. फिर उसके बाद में फिर अपन ने कंडीशन चेक की कि आप क्या कौन सा व्यू देखना चाहते हैं. तो देयर कुड बी थंबनेल व्यू, लेट्स से अगर चार कैमरे लगे हैं घर में तो चारों का आपको थंबनेल दिखने लग जाए एक ही स्क्रीन पे, या फिर अनदर व्यू कुड बी टू सेलेक्ट ए स्पेसिफिक कैमरा. ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दिस व्यू वी कैन फर्दर go on and there will be an exit function also that at some certain point after a certain set of branches will complete that operation. ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है. तो अभी इस केस में यूज केस क्या होगा, अगर इसका करस्पॉन्डिंग यूज केस अपन देखें तो प्रोबेबली द यूज केस विल बी दैट देयर विल बी एन एक्टर एंड देयर विल बी अ यूज केस व्हिच विल अलाउ अस टू सी द कैमरा फीड, द सर्विलेंस फीड ऑफ आर वेबकैम्स और आर सिक्योरिटी कैमराज through a browser after authenticating. Okay, so that will be our use case.
पर अपने को थोड़ा सा और डिटेल में देना है कि क्या क्या उसमें ऑप्शंस होने चाहिए. सो देर शुड बी अ थंबनेल व्यू, देर शुड बी एन ऑप्शन टू सी इंडिविजुअल कैमरा ऑल्सो एंड सो ऑन. सो टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ आर यूज केसेस वी गो फॉर एक्टिविटी डायग्राम्स. ठीक है, अब एक और चीज ध्यान में रखने की है, जब अपन एक्टिविटी डायग्राम की बात कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज डिफाइंड बिटवीन अ यूज केस एंड एंड अ सिंगल एक्टर. अब इसमें एक सिंगल एक्टर की बात हो रही है, एक ही एक्टर स्टार्ट से एंड तक जाएगा. इट इज द सेम यूजर, इट इज द सेम यूजर रोल विच विल गो फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशंस एज पर द ब्रांचेस विद इन द एक्टिविटी डायग्राम. बट देयर कुड बी सम केसेस वेयर मल्टीपल यूजर्स आर इन्वॉल्व. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इन अ चैट एप्लीकेशन देर आर टू पीपल इन्वॉल्व. देर विल बी वन पर्सन राइटिंग द मैसेजेस एंड देर विल बी अनदर पर्सन रिप्लाइंग टू दोज मैसेजेस. और वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ कस्टमर सपोर्ट सिस्टम एज वेल. इन दैट अगेन केस देर विल बी वन कस्टमर एंड देर विल बी वन सपोर्ट पर्सन एसोसिएटेड इन एनी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन, एनी पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट एंड सो ऑन. सो इन दोज केसेज वेयर वी वॉन्ट टू मॉडल मल्टीपल एक्टर्स, वी कैन यूज स्विम लेन डायग्राम्स. I have not given an example of swim lane diagram here. They are very similar to activity diagrams only. Only difference is that multiple users are modeled, and you can easily understand that by looking for it on a Google and just looking for a simple swim lane diagram. It is very similar to activity diagram itself only. Only that it allows modeling of multiple users, and there are transitions from one activity to another or one user to another. So in that case we'll use swim lane diagrams, but activity diagrams will help us in providing more details into any particular use case with respect to a given. So next we'll talk about data modeling. तो use case में अपने को क्या पता चल गया कि कौन कौन users हैं system के और कौन कौन से actions वो perform कर सकता है. बट इट इज मोस्टली प्रोवाइडिंग अस एन एक्सटर्नल व्यू ऑफ द सिस्टम. ठीक है, सिस्टम को कैसे यूज किया जा सकता है, व्हाट आर द इंटरेक्शंस बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सिस्टम. ठीक है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट डेटा वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द डेटा ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, कौन से वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जिन पे अपने को ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जिनको आपको अपने को स्टोर करके रखना है. विच द ऑब्जेक्ट्स विच विल डिराइव द बिजनेस लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ठीक है, और उसके भी उनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या है, उनके एट्रीब्यूट्स क्या है एंड सो ऑन. तो इन इसके बारे में ज्यादा बात करने से पहले जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन. आप लोगों ने सबने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स का नाम सुना हुआ है, ईआरडी डेटाबेस में. ठीक है, उसमें अपन क्या करते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप में अपन किसी भी सिस्टम की एंटिटीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में एंटिटीज क्या हो सकती है, स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कॉलेज खुद भी एक एंटिटी हो सकती है एंड सो ऑन. फिर क्या करते हैं अपन, उनके सारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं उनकी. जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ स्टूडेंट, इट कुड बी स्टूडेंट का रोल नंबर, फुल नेम, उसका क्लास, उसका लेट से ईमेल एड्रेस, उसका फादर्स नेम, उसका एड्रेस एंड सो ऑन. एंड देन वी ऑल्सो मॉडल द रिलेशनशिप्स कि लेट से अगर स्टूडेंट और टीचर के बाद बीच में बात करें या स्टूडेंट और क्लास के बीच में बात करें तो रिलेशनशिप क्या होगी. जैसे स्टूडेंट और टीचर के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बट स्टूडेंट और क्लास के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि स्टूडेंट किसी न किसी एक क्लास में जरूर होगा. बट एट द सेम टाइम मैनी स्टूडेंट्स कैन बी विद इन दैट सेम क्लास इट सेल्फ. तो अपने फिर रिलेशनशिप की बात करते हैं कि ये मेनी टू वन रिलेशनशिप है फ्रॉम स्टूडेंट टू क्लास. ठीक है, तो अपन इस तरह से रिलेशनशिप को भी मॉडल करते हैं. तो बेसिकली डेटा मॉडलिंग इज डन थ्रू ईआरडीज ओनली, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स ओनली. बट व्हेन यू कम टू डेटा मॉडलिंग, अपन छोटा सा एक पॉइंट में यहाँ नोट करना चाहता हूँ कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंटिटीज, एंटिटीज कैन बी अ यूजर. ठीक है, एंटिटीज कैन बी अ यूजर रोल. लेट से द सेम पर्सन विद इन द सेम पर्सन हु इज यूजिंग दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और अ पर्टिकुलर सिस्टम कैन हैव टू डिफरेंट रोल्स विद इन दैट सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, लेट से फॉर अ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम आई कैन एक्ट एज अ टीचर ऑल्सो, आई कैन एक्ट एज एन एग्जामिनर ऑल्सो, एंड आई कैन ऑल्सो एक्ट एज एन लेट से काउंसलर ऑल्सो. सो आई हैव डिफरेंट रोल्स विद इन द सिस्टम एंड विद दोज डिफरेंट रोल्स आई विल प्रोबेबली हैव डिफरेंट ऑथराइजेशन, डिफरेंट एक्सेस टू डिफरेंट मॉड्यूल्स विद इन दैट सिस्टम.
एंटिटी कैन बी अ यूजर, अ रोल ऑफ एनी पर्टिकुलर यूजर, इट कुड बी एनीथिंग एनीथिंग एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ थिंग. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी अ कार, इट कुड बी लेट्स से क्लास रूम एंड सो ऑन. इट कुड बी एन इवेंट, अकरिंग ऑफ एन इवेंट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अ लेक्चर. So the class is an infrastructure thing. The students and teacher are people, they are users, but the event is the conduction of a lecture. So a lecture will involve many students, one teacher and one classroom, right? So there could be events can also be are entities. Similarly, actions can also be entities. For example, happening of a particular action, let's say evaluation, copy evaluation can be an एंटिटी ऑल्सो, बट इन दैट केस वी ऑल्सो नीड टू इंश्योर कि उस एक्शन के कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, उसके कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिनको अपने को स्टोर रखने की जरूरत है, दे आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर समवेयर. ठीक है, तो इन दोज केसेज वी ऑल्सो ट्रीट एक्शंस एज एंटिटीज. फिर उसके बाद में देर आर प्लेसेस, इट कुड बी अ प्लेस, इट कुड बी लाइक अ स्कूल, गार्डन और एनीथिंग एनी प्लेस. इट कुड बी अ फाइल, some digital file, some file on your disk, some file on a network and so on. It could be any resource, let's say your CPU or a memory or a printer, or it could be anything. And then it could be an organizational unit, let's say accounts department, let's say finance department and so on. And there could be external, it could be an external entity also. So an entity that is not directly associated with your system. For example, in case of maybe in case of let's say an employee management system, government guidelines can also be an entity. So that in an employee management system there is a module where we post all the government guidelines also. So the government is not directly associated with an employee management system, but in that case that also becomes an entity. राइट, सो इट कुड बी एन एक्सटर्नल एंटिटी ऑल्सो. तो अगेन ये सारी चीजें जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने की है कि क्या क्या चीजें एंटिटी हो सकती है. ठीक है, अब जब अपन इनकी किसी भी एक इंडिविजुअल आइटम को कंसिडर करेंगे तो अपने को ये कंसिडर करना पड़ेगा कि इनके कौन से एट्रीब्यूट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड और स्टोर्ड बाई आर सिस्टम. ठीक है, जब तक उन एट्रीब्यूट्स की सिग्निफिकेंस नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की बात करें तो लेट से अपना जो सिस्टम है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, तो क्या उसके अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होनी चाहिए या एक एंटिटी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, अनटिल अनलेस उस प्रोजेक्ट को करने से पहले आपको कोई फीस जमा करनी पड़ती है, तो फिर उस केस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक यूनिट हो सकती है. या फिर देयर कुड बी अ केस कि लेट से एक अकाउंटेंट रोल बनाने से काम चल सकता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट तब बनाना पड़ेगा जब लेट से अपन किसी यूनिवर्सिटी के सारे डिपार्टमेंट्स की डिटेल बताना चाहते हो कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं एंड सो ऑन, तब अपने को अकाउंट्स डिपार्टमेंट को एक एंटिटी लेने की जरूरत है. सिर्फ फीस जमा करने के लिए पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को एक एंटिटी बनाने की जरूरत नहीं है, ओनली वन अकाउंटेंट कैन बी एन एंटिटी एंड सो ऑन. तो बेसिकली पॉइंट क्लियर है कि जब अपन कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से किसी भी चीज़ का कोई भी डेटा एट्रीब्यूट या रिलेशनशिप अपने को रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है अपने सिस्टम में, स्टोर करने की जरूरत है, प्रोसेस करने की जरूरत है, देन ओनली वी कंसिडर इट एज एंटिटी फॉर आर सिस्टम. बट दीज आर ऑल द ऑप्शंस, यू कैन लुक आउट फॉर ऑल दीज थिंग्स टू बी एंटिटीज विद इन योर सिस्टम. नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है कि वॉट आर डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस. ठीक है, तो सीधा सीधा डिफरेंस ये है कि डेटा ऑब्जेक्ट्स आर डेटा ओनली, दे आर ओनली डेटा. ठीक है, दे विल रिप्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद इन योर सिस्टम, इट इज फाइन, बट देर आर नो एसोसिएटेड ऑपरेशन, देर आर नो एसोसिएटेड फंक्शन रिलेटेड टू दैट डेटा. वी डू नॉट डिफाइन एनी ऑपरेशन दैट विल वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा. ठीक है, तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस. इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस, द क्लासेस ऑल्सो हैव एसोसिएटेड ऑपरेशंस एंड दोज ऑपरेशंस कैन इन्फ्लुएंस system state and the operation to be performed or the functionality to be provided by our system. ठीक है, तो अगेन जब अपन key points की बात करेंगे या data modeling में, तो अपने को पहले तो attributes की बात करनी है कि attribute होने जरूरी है. किसी भी कोई भी entity बिना attribute के है तो इसका मतलब we can skip that entity.
फिर जब एट्रीब्यूट हैं तो एट्रीब्यूट के टाइप्स क्या हो सकते हैं, वीक एंटिटी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, कंपोजिट है एंड सो ऑन, बहुत सारे टाइप्स हैं। फिर उसके बाद में डेटा टाइप्स हो सकते हैं कि वो किस तरह का डेटा स्टोर करना है उसके अंदर। फिर उसके बाद में रिलेशनशिप्स में कार्डिनलिटी एंड मॉड्युलिटी आ जाती है। ठीक है, ये कार्डिनलिटी होती है कि वन टू मेनी है, मेनी टू वन है, मेनी टू मेनी एंड सो ऑन। और मॉड्युलिटी में अपन बात करते हैं कि इट इज आइदर अ जीरो मॉड्युलिटी और वन मॉड्युलिटी, यानी कि वो उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो वन वे रिलेशनशिप है या टू वे रिलेशनशिप है एंड सो ऑन, थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी भी है, इसलिए ईआर डायग्राम्स अपन अभी डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं क्लास बेस्ड मॉडलिंग।